47 कैश्यू नट काजू जो इसी साल अभी 4 महीने पहले यहाँ प्लांटेशन हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं कि इसको फ्लावरिंग हो गई है। ये ग्राफ्टेड वैरायटी है। तो फ्लावरिंग कब होती है? जब प्लांट एक्लिमेटाइज हो जाता है, सॉइल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो विदर्भ के अंदर कैश्यू हो सकता है, ये उसकी मिसाल है। यही मॉडल यहाँ पर हमने तैयार किया अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में। V7 वैरायटी, वेंगुर्ला V7, वेंगुर्ला V4 एंड वेंगुर्ला V3। अभी V3 और V4 में भी इसी तरह की फ्लावरिंग आ गई है। हालांकि हार्वेस्टिंग जो क्रॉप इस साल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी पेड़ जो है, प्लांट जो है, सिर्फ 1 साल का है और नेक्स्ट 2 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड क्रॉप्स जो है वो लिया जाएगा। दिस इज V7 कैश्यू वेंगुर्ला वैरायटी। तो विदर्भ में भी काजू उत्पादन हो सकता है, ये उसका एक मॉडल है। ये V3 कैश्यू नट है काजू, जो इसी साल लगाया है, ग्राफ्टेड वैरायटी है। और ये देख सकते हैं कि विदर्भ के अंदर के एटमॉस्फेयर में इसने अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लिया है और इसको फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि हम इसकी फ्लावरिंग हम नहीं लेंगे इस साल, 2 साल के बाद ही लेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं कि इसको फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब कि विदर्भ के अंदर काजू की पैदावार हो सकती है। ये प्रयोग जो चल रहा है, ये सक्सेसफुल दिशा में काम हो रहा है।